हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल पेड़े। बहुत ही इजी है, बिना चाशनी के ये बनते हैं और बहुत ही झंझट भी नहीं है इसमें बनाने का, बहुत इजीली बन जाएंगे ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मिल्क पाउडर पेड़ा बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया और पैन को भी गैस पे नहीं रखा है, हमें मिक्सचर रेडी करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले देसी घी डाल रही हूँ। पहले से ही मैंने इसको गुनगुना गर्म कर लिया था हल्का, तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। 1/2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ गुनगुना दूध, हल्का ल्यूफॉर्म डाल रहे हैं इसमें दूध, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें डाल देती हूँ मैं 1/2 कप चीनी, बाकी चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें चीनी को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करना है जिससे चीनी इसमें पूरी तरीके से घुल जाए। तो चीनी पूरी तरीके से इसमें घुल चुकी है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है और ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, कहीं पर भी आपको ग्रोसरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि गैस पे रखने से पहले इसे चलाने से क्या होगा, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा हमने ये 1.5 कप जो मिल्क पाउडर लिया है मिक्स कर लेंगे इसमें। तो अभी मैंने 1 ही कप डाला है, 1/2 कप और मुझे डालना है, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसको। 1/2 कप जो था बचा हुआ वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल लेंगे। बहुत ही इजी है इस मिठाई को घर पे बनाना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पे। बहुत जल्दी बन जाती है और एकदम मार्केट जैसी बनती है। सेम जैसे पहले डाला था ना मिल्क पाउडर, उसी ही प्रोसेस से हमने दूसरा वाला डाल दिया बैच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ ये जो पाउडर लग रहा है इसको भी हम ऐसे हटा लेंगे और बीच में करते जाएंगे। और आप देख रहे हैं इसमें कोई भी गुठली नहीं आ रही है, कोई भी लम्स नहीं पड़ रहा है। तो मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और इसमें एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के लगभग केसर। आप चाहें तो डालें वरना कोई बात नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने गैस ऑन करके पैन को गैस के ऊपर रख दिया है और अब हम इस मिक्सचर को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मैंने ये स्पैचुला ले लिया है, इससे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हम। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, 1 टीस्पून के लगभग देसी घी डाल देती हूँ इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे जल्दी से पैन छोड़ देगा। ये देखिए बस इसका इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमें बस कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। अब मैंने दूसरा वाला स्पून ले लिया है, वुडन वाला, इससे अच्छे से मैं इसको चला लेती हूँ, इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है, ये देखिए लो की तरह जैसे ही होने लग जाएगा ये पैन छोड़ने लग जाएगा अपने आप। और आप देख सकते हैं ये मिक्सचर हमारा पूरी तरीके से रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक किसी चकले वगैरह पे निकाल लेंगे। अब मैंने एक चकला रख दिया, इसके ऊपर मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ देसी घी और ये जो हमारा मिक्सचर है ये डाल देंगे इसके ऊपर। अभी ये गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। घी डाल दिया है हमने इसमें, एकदम स्मूथ करना है इसको हमें, जैसे आटा होता है एकदम चिकना। तो आप देख सकते हैं कितनी एकदम स्मूथ हमारी डो बनके रेडी हो गई है ना, एकदम लग रहा है ना कि जैसे मार्केट का कैसे खोआ होता है, मावा होता है वैसे ही। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। तो मैंने चकले पे बटर पेपर रख दिया एक और उसके ऊपर इस डो को रख दिया है। और अब मैंने ये जो बेलन लिया है इसके ऊपर भी अच्छे से देसी घी लगा दिया, इससे हम इसको बेल लेंगे। बहुत ही ईजीली ये बेल जाता है, जितने भी मोटे पतले आपको बनाने हैं पेड़े वैसे बना सकते हैं आप। और अब मेरे पास ये कुकीज़ कटर है, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, किसी बॉटल का कैप ले सकते हैं।
तो इससे मैं इसको काट लेती हूँ और ये जो इसकी साइड्स है ना, इनको हम निकाल लेंगे और इनसे हम दोबारा पेड़े बना लेंगे। और आप देख सकते हैं सारे पेड़े हमारे एक से बने हैं बिल्कुल बराबर, तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो आप देख सकते हैं एकदम लग रहे हैं ना मार्केट जैसे पेड़े, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैंने ये चांदी का वर्क लिया है, आप चाहें तो लगाएं, पूरी तरह से ऑप्शनल है ये। बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है और थोड़ी सी इसको और डेकोरेट करने के लिए केसर लगा देते हैं। आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए, आप चाहें तो काजू बादाम किसी भी चीज़ से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बने हैं, कितना इजी है इन पेड़ों को घर पे बनाना। तो आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।